भारत के न्याय व्यवस्था में आपको कोई विश्वास नहीं है, आपको पुलिस में कोई विश्वास नहीं है, अगर आपको किसी भी मुद्दे पर कोई भी नाराजगी है तो आप अदालत के पास जाएंगे ना, या गृह युद्ध की धमकी देंगे अपने ही देश में और बोलेंगे कि हम बड़े मुल्क को प्यार करने वाले। आप मेरी बात मुझे मुकम्मल करने दें। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि खुलेआम जिन लोगों ने अधर्म संसद की और खुलेआम उन्होंने तलवारें बांटी और अपने नौजवानों को गोट से बनने की ट्रेनिंग दी, 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने का ऐलान किया, उन लोगों पर कानून ने कोई कार्रवाई की? उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बरगलाने का, पथ भ्रष्ट करने का, देश का नक्शा बदलने की धमकी देने की बात। एक तरफ आप कांग्रेस जैसे एक राजनीतिक दल के को समर्थन देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप देश का नक्शा बदलने की की हिमायत करते हैं। नहीं, बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, उन्हें तो झूठ बोलने की बहुत प्रैक्टिस है। मैं ये बताता हूं, मैं अभी भी कहता हूं कि हिंदुस्तान का नक्शा हमारे अंदर बदलने की ताकत भी है और हिम्मत भी है। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी जिसे काट के पेश किया गया। मैंने कहा अगर लड़ने का शौक है तो हमारे साथ चलो, चाइना के बॉर्डर पे चलते हैं, कैलाश मानसरोवर हम चाइना से आजाद करा के हिंदुस्तान को देने का काम करेंगे, हमारे साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलो, हम पाकिस्तान से लड़के पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल करने का काम करेंगे। अगर हम ये काम करेंगे तो हिंदुस्तान का नक्शा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मैं आपसे सवाल। देश के अंदर ही शांति रहे वही हम बहुत है। अपने अपना नक्शा बदलना चाहते हैं, हम अपने देश का विकास चाहते हैं, देश की सीमाओं का विकास चाहते हैं। नहीं नहीं, देश के अंदर शांति रहे यही बहुत है। चलिए एक हटके प्रश्न, आप अखिलेश यादव से बड़े प्रसन्न रहते थे कुछ वर्षों पहले तक, एकाएक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों हो गई आपको कि अब आप उनका साथ छोड़ कांग्रेस को समर्थन देने की बात कर रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव से मैंने पिछली बार भी ये बात उनके सामने रखी थी कि उत्तर प्रदेश फिरका परस्तों की निगाहों में चढ़ा हुआ है और दंगों का प्रदेश बना दिया है इसको। अखिलेश यादव की सरकार में भी तकरीबन 176 दंगे 12 से लेकर 17 तक हुए थे, आपको याद होगा। तो मैंने उनसे कहा था कि एक दंगा जांच आयोग बनना चाहिए, जब तक असली चोर नहीं पकड़ा जाएगा तब तक दोबारा चोरी होने का अंदेशा रहेगा। इस बार भी मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने कहा पिछली बार आपने नहीं बनाया था, आप आज ये वादा करो मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं कि आप दंगा जांच आयोग बनाएंगे, अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इसको रखिए। उन्होंने कहा कि हाँ इस पे गौर करते हैं और आपसे एक बार और मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा दिवाली के बाद दोबारा बैठते हैं। कई बार रिमाइंड कराने के बावजूद उनके दिवाली बाद वाला जवाब आज तक नहीं आया है, तो मजबूर होकर फिर मैंने कांग्रेस से बात की और कांग्रेस को से बात करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पुरानी कांग्रेस जिससे हम नाराज रहा करते थे, उस कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। आज की कांग्रेस बहुत अच्छी और बेहतर कांग्रेस है। चलिए अब देखते हैं कि वोटर